महिला अधिवक्ता के परिवार पर जानलेवा हमला करके घायल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि थाना छजलैट के अंतर्गत ग्राम मथाना में महिला अधिवक्ता के पिता राजेंद्र सिंह और परिवार के अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया गया, जिसकी सूचना क्षेत्रीय थाना पुलिस को दी गई। जानलेवा हमले की वीडियो भी उनके पास मौजूद है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। साथ ही हमलावरों के परिवार की एक महिला पुलिस विभाग में होने के कारण उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जानलेवा हमले की वीडियो दिखाकर हमलावरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई है। जी, क्या मामला है? हमारी रूबी चौहान हमारी अधिवक्ता साथी हैं, इनके पिताजी और भाई को मेंड के चक्कर में गांव के नरेंद्र सिंह, पुष्पा देवी और उनके परिवार वालों ने गिरा गिरा कर मारा। इनके काफ़ी चोट आई है, इनके पिताजी की आंख में गंभीर चोट लगी हुई है। थाने में गए रिपोर्ट लगाने, क्योंकि मुलजिमानों की जो एक लड़की है उपासना वो पुलिस विभाग में है, उसके दबाव में इनकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करी थाना सजलैट में। अब मजबूरी होकर आज एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। मेडिकल भी इनकी चोटों का हुआ है, एक मेडिकल नहीं कराया है, एक लड़के का मेडिकल कराया है, इनके पिताजी का मेडिकल तक नहीं कराया है। इनके पिताजी की आँख में गंभीर चोट है। एसएसपी साहब से मिले हैं हम लोग और अपनी एफआईआर के लिए अपना निवेदन किया। एफआईआर नहीं हुई है अभी तक, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लड़की पुलिस में है इनकी, मुलजिमानों की, तो वो पुलिस के थाना छजलैट वाले कहते हैं कि इस पुलिस वाले का नाम हटा दो यहाँ से, हम आपकी एफआईआर कर लेंगे। क्यों हटा दो? जब वो मारपीट कर रही है, वो करा रही है और अपने पुलिस के बल पर अपना गुंडागर्दी करा रही है। इन लोगों से कोई रंजिश है? रंजिश के हमारी मेड के पास पेड़ लगा रखे हैं, हम अपनी खेत में पेड़ लगाने गए थे तो पेड़ नहीं लगा दिए।